करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीएम की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वो नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी। सरकार मुर्दाबाद, महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये तो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टीएमसी सरकार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ममता बनर्जी डाउन डाउन, डाउन डाउन, डाउन डाउन। ममता बनर्जी डाउन डाउन, डाउन डाउन, डाउन डाउन। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एक बात, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नमस्ते, अक्षी बिलोरिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर प्रांत की प्रांत मंत्री। जैसा कि हम सबके ध्यान में है, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में किस प्रकार की घटनाएं जो है आए दिन सामने आ रही है। अगर हम संदेश खाली की बात करें तो संदेश खाली पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा सीमावर्ती इलाका है, जहाँ पर बहुत सी महिलाओं ने वहाँ के जो है कुछ प्रतिष्ठित लोगों के ऊपर जो है यौन उत्पीड़न और उनके साथ अभद्रता के जो है आरोप लगाए हैं, और वो निरंतर कुछ दिनों से सड़कों पर है। परंतु अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पे ना तो मीडिया को जाने दिया जा रहा है, ना तो वहाँ पे किसी अन्य महिलाओं को उन महिलाओं के साथ उनका दर्द बांटने के लिए जाने दिया जा रहा है। और हम सबको ध्यान में है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी स्वयं एक महिला है, परंतु महिलाओं पे हो रहे अत्याचार और उनके साथ हो रही बर्बरता पर वो अभी भी मौन है, और वो लगातार वहाँ पे आरोपियों को जो है समर्थन देती नजर आई है। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में 500 से अधिक प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन जो है वो टीएमसी सरकार के खिलाफ कर रही है, और इसके साथ ही टीएमसी सरकार को जो है वो संदेश दे रही है कि वो वहाँ पे हो रही महिलाओं के ऊपर अत्याचार का संज्ञान लें और वहाँ पे जो दोषी हैं उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। और साथ ही विद्यार्थी परिषद ये अपने भारत के प्रेसिडेंट से भी गुहार लगाती है, जो कि स्वयं एक महिला है, कि वो स्वयं इस मुद्दे में इंटरवीन करें और वहाँ पे हो रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बेटियों के खिलाफ अत्याचार और बहनों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का संज्ञान लें, और तुरंत वहाँ पे जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको जो है सजा होनी चाहिए। टीएमसी सरकार।